आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में सेंटेंस क्या होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी विभिन्न प्रकार के सेंटेंस के बारे में यहाँ हम दो तरह के शब्दों के समूह देख रहे हैं पहला समूह है रिसाइट्स अ पोयम ही Rises the sun in east. The best policy is the honesty. और दूसरा शब्दों का समूह है He recites a poem. The sun rises in the east. Honesty is the best policy. पहला जो शब्दों का समूह है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है जबकि दूसरा शब्दों का समूह का कुछ अर्थ निकलता है रिसाइट्स ए पोयम ही इसका कोई अर्थ नहीं है जबकि ही रिसाइट्स अ पोयम इसका एक कंप्लीट अर्थ निकलता है वह कविता कविता का पाठ करता है अतः अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस शब्दों का वह समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है सेंटेंस कहलाता है सेंटेंस के संबंध में कुछ बातों को ध्यान रखने की है पहला है अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है अ सेंटेंस हैज अ फुल स्टॉप एट द एंड सेंटेंस के अंत में एक फुल स्टॉप होता है यहां हम देख रहे हैं वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है अनु सिंग्स अ सॉन्ग इसमें एक भाग अनु है और दूसरा भाग है सिंग्स अ सॉन्ग द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल इसमें पहला भाग है द डॉग और दूसरा भाग है इज ए फेथफुल एनिमल दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इसमें पहला भाग है दिल्ली और दूसरा भाग है इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट सेज़ वाट सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट वाक्य का पहला भाग जो ये बतलाता है कि वाक्य किसके बारे में है सब्जेक्ट कहलाता है तो यहाँ अन्नू द डॉग दिल्ली ये सब्जेक्ट हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट वाक्य का दूसरा पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बतलाता है प्रेडिकेट कहलाता है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सेंटेंस के प्रकार चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं पहला है डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंसेस दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंसेस और चौथा है एक्सक्लामेट्री सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंसेस अ सेंटेंस दैट सिंपली ए फॉर्म्स और डेनाइज समथिंग इज कॉल्ड अ डिकलरेटिव और एसर्टिव सेंटेंसेस एक वाक्य जो सामान्य रूप से कुछ स्वीकार या इनकार करता है डिकलेटिव या एसर्टिव सेंटेंस कहलाता है एज फॉर एग्जाम्पल शी हेट्स डिसऑनेस्टी ही डज नॉट एग्री विथ यू ये दोनों डिकलरेटिव सेंटेंसेस है यहाँ पहले वाक्य में कुछ स्वीकार किया गया है कुछ बताया गया है और दूसरे वाक्य में कुछ डिनाई किया गया है दूसरे तरह का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक वाक्य जिसमें कुछ प्रश्न किए जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं एज फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर फादर तुम्हारे पिता क्या हैं हाउ ओल्ड आर यू तुम्हारी उम्र कितनी है इन दोनों वाक्यों में हम देख रहे हैं कि प्रश्न किए हैं कुछ प्रश्न किए गए हैं अतः ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस एक वाक्य जिससे कोई ऑर्डर यानी आदेश रिक्वेस्ट और या एक एडवाइस सुझाव व्यक्त होता है उसी इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं एज फॉर एग्जाम्पल पोस्ट दिस लेटर इस लेटर को पोस्ट कर दो ये एक ऑर्डर है काइंडली हेल्प मी ये एक रिक्वेस्ट है टेक एक्सरसाइज डेली ये एक एडवाइस है चौथे तरह का सेंटेंस होता है एक्सक्लामेट्री सेंटेंसेस अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसिज अ सडेन और अ स्ट्रांग फीलिंग ऑफ द माइंड अ विश और ए प्रेयर स्कॉल्ड एंड एक्सक्लमेटरी सेंटेंस वह वाक्य जिससे दिमाग की कोई अचानक या प्रबल भाव का पता चले कोई इच्छा का पता चले या कोई प्रार्थना का पता चले तो वैसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं एज फॉर एग्जाम्पल what ए ब्यूटिफुल साइट कितना सुंदर दृश्य हाउ लक्की ही इज कितना भाग्यवान है वह सेंटेंस के संबंध में कुछ नोट करने वाले बिंदु पहला है पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ declarative और एसर्टिव एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस Declarative या एसर्टिव और इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं सेकंड पॉइंट है पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं थर्ड पॉइंट है पुट एन एक्सक्लामेशन मार्क एट द एंड ऑफ एन एक्सक्मेशन सेंटेंस एक्सक्लमेट्री या एक्सक्मेशन सेंटेंस के अंत में हमेशा एक्सक्मेशन मार्क लगाते हैं आज के पाठ में आपने आ, सेंटेंस क्या होता है ये जाना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है ये आपने जाना और विभिन्न तरह के सेंटेंस के बारे में जाना आशा है कि आज का टॉपिक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे धन्यवाद